अब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ गए हैं। आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, बहादुरगढ़ का आखिरी सेक्टर 9 मोड़ का नाका किसानों ने तोड़ दिया है और किसान अब लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियों के काफिले के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ही दिल्ली का नाका है। ये देखिए किसान, युवा किसान आगे हैं, हर किसान आगे बढ़ रहा है। मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ, एक सामने ये आखिरी जो नाका है, इस नाके क्रॉस करते ही दिल्ली शुरू हो जाएगी। यहाँ इस नाके पर पुलिस बल तैनात है, लेकिन सड़क पर पुलिस नहीं है, सड़क के किनारे खड़ा है। और इस तरफ ये देखिए जोश किसानों का, किसान हर सूरत में दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं। ये किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बैरिकेड हटा दिए हैं, रास्ते के हर बाधा को पार करते हुए किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान अपने मकसद को पार करने के लिए, पाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बिना डरे, बिना रुके, बिना थके। रात भर से पंजाब से चलकर एक सैकड़ों किसान, हजारों पीछे ट्रैक्टर ट्रोलियों का काफिला, गाड़ियां भी हैं, ट्रैक्टर भी हैं, ट्रोलियां भी हैं, और उन ट्रोलियों में जो त्रिपाल ढक के जो सामान भी रखा है, खाने पीने का, रुकने के तमाम इंतजाम हैं, खाने के, रुकने के, पीने के। लंबे संघर्ष का इरादा लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं किसान। और इस वक्त हम पूरी तरीके से दिल्ली बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। ये दिल्ली बॉर्डर का दृश्य है। अब किसान दिल्ली में घुस गया है, किसान अब दिल्ली में आ चुका है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने एंट्री कर ली है, किसान अब टीकरी बॉर्डर पर है, किसानों ने दिल्ली में प्रवेश कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने भारी इंतजाम किया है, पुलिस कर्मी, रैपिड एक्शन फोर्स, वाटर कैनन, क्रेन सब लगे हुए हैं किसानों को रोकने के लिए। तार की बैरिकेडिंग भी की है, लेकिन किसानों के हौसले बुलंद है। जो सीमेंटेड बैरिकेड हरियाणा की सीमा गए थे, लगाए थे, वो सब तोड़कर किसान आगे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर होगा टकराव, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से कोई भी किसान दिल्ली में प्रवेश करे। ये देखिए दिल्ली से सीधी लाइव तस्वीरें, ये दिल्ली का नाका है। यहाँ पर क्रेन्स लगी हुई हैं, पुलिस ने तार, कांटेदार तार लगाकर बाड़ बंदी कर रखी है। इन कांटेदार तार से पहले सीमेंटेड के ब्लॉक रखे हुए हैं, इन सीमेंटेड ब्लॉक को रोकने के लिए, ताकि गाड़ियों को रोका जा सके, किसानों के ट्रैक्टर को रोका जा सके। दूसरी तरफ देखिए किसान, इस तरफ भारी पुलिस फोर्स तैनात है, हाथों में लाठी डंडे, सिर पर हेलमेट और पूरी किट के साथ वाटर कैनन भी तैयार है, आंसू गैस के गोले दागने के लिए भी पुलिस तैयार है। लेकिन किसानों के हौसले के आगे पुलिस के हौसले हर जगह पस्त हुए हैं, और यहाँ भी हालात यही हैं कि ये नाका टूटा और दिल्ली में किसानों का प्रवेश हो गया। किसान बात कर रहे हैं पुलिस अधिकारियों से कि वो उनके हकों के लिए, रास्ता वेला कर दो, ये ना रास्ता वेला कीता।
अपना रास्ता खुलवाने की मांग कर रहे हैं किसान। किसान कह रहे हैं कि उनकी पुलिस के साथ कोई लड़ाई नहीं है। जिम्मेदार तो तुम भी हो, किसान भी हो, सारे कुछ हो। हाथ बांध के नहीं मारते भाई, जानते नहीं है। बात भाई बांध के चलाने के लिए इतनी है। मैं आपको दूसरी तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ठीक पीछे किसानों की भीड़ बढ़ रही है। जितने पुलिसकर्मी उधर तैनात है उससे कई गुना ज्यादा किसान इस तरफ इकट्ठा हो रहा है, एकजुट हो रहा है। सामने देख रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला, पूरा लंबा काफिला लग गया है। थोड़ा पीछे इसलिए रुका है ताकि इन बैरिकेड को हटाया जाए तो वो जगह मिल सके और फिर ये लोग क्रॉस कर सके। इधर देखिए, उधर पुलिसकर्मी तैनात है। ये साड़ी सरकार ने गल सुनी होंगी, सानू लौट की क्या होगी इतने। वो पैसे कर लो इन्हें तो पंगे, आज नहीं तो कल हो जाएगी। देखिए, किसानों की भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लाखों की तादाद में किसान लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। इससे किसान दिल्ली में ही है, टीकरी बॉर्डर का ये इलाका है, लेकिन दिल्ली का ये जो नाका है, इस नाके को क्रॉस करने के बाद ही किसान आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से तैयारियां हैं, क्रेन्स में जो ड्राइवर बैठ चुके हैं, वाटर कैनन में भी कर्मचारी तैयार हैं, पुलिसकर्मी जो पैदल खड़े हैं वो भी लाठी डंडों के साथ तैयार हैं। यहाँ पर टकराव के पूरे इंतजाम दिल्ली पुलिस ने कर रखे हैं। किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं। किसान एक ही डिमांड लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जो किसान अध्यादेश है उनको वापस किया जाए। किसान किसी का विरोध करने नहीं आ रहे, किसान सरकार से अपने हकों की मांग के लिए आगे आ रहे हैं। किसान लगातार आगे बढ़ना चाह रहे हैं। किसान चाहते हैं कि उन्हें रास्ता दिया जाए ताकि वो दिल्ली में घुसें और दिल्ली में बैठकर सरकार को अपनी बात कह सकें।